डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन यानी बोन के डेवलपमेंट के आधार पर, और तीसरा अपन बात करें रीजनल क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो संरचना के आधार पर यानी कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ें। कल की क्लास में अपन ने स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और स्केलेटन सिस्टम में अपने ये पढ़ा था कि यह बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, ठीक है भाई, यह बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, और हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बोन का, ठीक है भाई, और बोन के टॉपिक को अपन ने बेसिक परफॉर्मा के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, तो सबसे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, और उसके बाद अपन ने बोन के फंक्शन के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद अपन ने बोन की बनावट यानी कंपोजिशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें अपने को पढ़नी है वो कल की क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है भाई, जो रह गया हो वो कल की क्लास में देख सकता है, ठीक है। हमने जो स्टार्टिंग की थी वो स्केलेटन सिस्टम से की थी, और उसमें हमने बोन का टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है भाई। अब अपन बात करते हैं कि जो बोन के टॉपिक में नेक्स्ट अपना आ जाता है क्लासिफिकेशन का पार्ट, ठीक है भाई। तो आज का अपना टॉपिक ये रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, ठीक है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ बोन के अंदर अपन इसका चार्ट बनाएंगे और इसमें थ्योरी ऐड करेंगे, ठीक है, और जब थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी के साथ साथ अपन क्या बनाएंगे, डायग्राम, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ बोन का चार्ट, हेडिंग लगाओ क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, बोन का वर्गीकरण, ठीक है भाई, इसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले समझ लो फिर चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो बोन के क्लासिफिकेशन को यानी बोन के वर्गीकरण को अपन चार टाइप से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहले आ जाएगा अकॉर्डिंग टू शेप, यानी अपन शेप के आधार पर, ठीक है ना, शेप के अकॉर्डिंग कौन कौन सी बोन होती है उनको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन यानी बोन के डेवलपमेंट के आधार पर, और तीसरा अपन बात करें रीजनल क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो संरचना के आधार पर यानी कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन क्लासिफिकेशन के अंदर बोन कितने प्रकार की होती है तो उसको अपन देखते हैं, आओ देखो। सबसे पहले आ जाता है अकॉर्डिंग टू शेप, यानी शेप के आधार पर, ठीक है भाई। उसके बाद अपन पढ़ेंगे डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, ठीक है जी।
इसके बाद अगर अपन बात करें कि रीजनल क्लासिफिकेशन यानी रीजनल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद लास्ट अपना आ जाता है संरचना के आधार पर यानी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, तो ये चार पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं बोन के क्लासिफिकेशन को। सबसे पहला आ जाता है अकॉर्डिंग टू शेप, शेप के आधार पर। दूसरा आ जाता है डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, और तीसरा आ जाता है रीजनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे अपन संरचना के आधार पर यानी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू शेप में अगर अपन देखें तो बोन कितने प्रकार की होती है, तो देखो सबसे पहले आ जाती है अकॉर्डिंग टू शेप में लॉन्ग बोन। सबसे पहले आ जाती है लॉन्ग बोन। ठीक है भाई, इसके बाद अगर अपन बात करें लॉन्ग बोन के बाद अगर अपन बात करें दूसरी आ जाती है अपनी शॉर्ट बोन। अकॉर्डिंग टू शेप पढ़ रहे हैं और उसमें बोन कितने प्रकार की होती है यानी उसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो पहली आ जाएगी अपनी लॉन्ग बोन, दूसरी आ जाएगी शॉर्ट बोन। ठीक है, तीसरी बोन आ जाएगी फ्लैट बोन। ठीक है भाई, और चौथी बोन की अगर बात करें तो फोर नंबर पे आ जाएगी इरेगुलर बोन। कौन सी आ जाएगी? इरेगुलर बोन। ठीक है भाई, इसके बाद अगर अपन बात करें तो फाइव नंबर पे आ जाएगी न्यूमेटिक बोन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो बोन आ जाएगी सिसेमोइड बोन। ठीक है भाई, सिसेमोइड बोन। और अगर उसके बाद अगर अपन बात करें तो लास्ट बोन इसमें आ जाती है अपनी एसेसरी बोन। कौन सी आ जाती है भाई? एसेसरी बोन। ठीक है भाई, तो अकॉर्डिंग टू शेप, शेप के आधार पर सबसे पहली आ जाती है लॉन्ग बोन, उसके बाद आ जाती है शॉर्ट बोन, उसके बाद आती है फ्लैट बोन, उसके बाद आ जाती है इरेगुलर बोन, फिर आ जाती है न्यूमेटिक बोन, उसके बाद आती है सिसेमोइड बोन, और लास्ट इज द एसेसरी बोन। ठीक है भाई, अगले क्लासिफिकेशन की बात करें अपन डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन में देखो बोन कितने प्रकार की होती है। तो डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन में बोन दो प्रकार की होती है, एक होती है मेम्ब्रेन बोन ठीक है भाई, और दूसरी हो जाती है इसमें सोमेटिक बोन। ठीक है भाई, अब देखो एक हो जाती है मेम्ब्रेन बोन, दूसरी हो जाती है सोमेटिक बोन। ठीक है, मेम्ब्रेन बोन को ही डर्मल बोन कहा जाता है। ठीक है ना, मेम्ब्रेन बोन को ही डर्मल बोन कहा जाता है, ये लो भाई डर्मल बोन। ठीक है ना, और सोमेटिक बोन के अंदर आ जाती है विसेरल बोन। और विसेरल बोन में आ जाती है हायोइड बोन। ठीक है भाई, हायोइड बोन आ जाती है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें मेम्ब्रेन बोन आगे, तो मेम्ब्रेन बोन भी दो प्रकार की होती है, कार्टिलेजिनस और मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस। ठीक है भाई, तो देखो
मेम्ब्रेन बोन दो प्रकार की होती है। पहली आ जाती है कार्टिलेजिनस बोन और दूसरी आ जाती है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन। ये लो भाई, ठीक है। मेम्ब्रेन बोन दो प्रकार की होती है, एक हो जाती है आपकी कार्टिलेजिनस बोन और दूसरी हो जाती है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन, ठीक है भाई। तो ये हो गया अपना डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनल क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है भाई। रीजनल क्लासिफिकेशन में क्या आ जाता है, तो देखो रीजनल क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो रीजनल क्लासिफिकेशन में आ जाता है एक्सियल स्केलेटन, एक आ जाता है एक्सियल स्केलेटन, ये लो एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा आ जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है भाई। अगर अपन बात करें एक्सियल स्केलेटन, तो एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन इंक्लूड रहती है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो इसमें 126 यानी 126 बोन इंक्लूड रहती, ठीक है भाई। अब देखो अब अपन स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। संरचना के आधार पर अगर अपन बोन को डिवाइड करें तो इसमें अपन दो मेथड यूज करते हैं। दो मेथड कौन कौन से यूज करते हैं, तो देखो पहला मेथड आ जाता है आपका माइक्रोस्कोपिकली, ठीक है भाई, और दूसरा अपन ले लेते हैं मैक्रो स्कोपिकली, ठीक है भाई। तो पहला ले लेते हैं अपन माइक्रोस्कोपिकली और दूसरा आ जाता है मैक्रोस्कोपिकली। अब देखो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में हमने कहा कि दो प्रकार के मेथड है, उसके अकॉर्डिंग बोन के टाइप पढ़ेंगे। तो पहला आ जाता है माइक्रोस्कोपिकली और दूसरा आ जाता है मैक्रोस्कोपिकली, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है भाई। तो माइक्रोस्कोपिकली यानी माइक्रो यानी छोटी छोटी बोन कौन कौन सी है उसके बारे में देखते हैं। तो देखो इसमें पहली आ जाती है फाइब्रस बोन, दूसरी आ जाती है इसमें लेमिलर बोन, तीसरी बोन की अगर बात करूं तो वो हो जाती है वोवेन बोन, ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात अगर मैं करूं तो डेंटाइन बोन, ठीक है, और एक बोन और आ जाती है इसमें सीमेंट बोन, ठीक है भाई। अब बात करते हैं अपन मैक्रोस्कोपिकली, ठीक है। तो देखो मैक्रोस्कोपिकली के अंदर दो प्रकार की बोन आ जाती है, एक आ जाती है कॉम्पैक्ट बोन और एक आ जाती है कैंसिलियस, इस कैंसिलियस बोन को स्पॉन्जी बोन भी कहते हैं, ठीक है भाई। तो देखो ये अपना क्लासिफिकेशन का चार्ट बनकर तैयार हो गया भाई, ठीक है ना। बिल्कुल रटना नहीं है, कड़ी से कड़ी मिलाते हुए चलोगे तो ये आपको चार्ट बिल्कुल याद हो जाएगा इसी वे में, ठीक है।
और एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है बोन के ऊपर, बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन भी बनता है, तो वो आपके इस चार से क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू शेप, ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू शेप, डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू शेप यानी शेप के आधार पर अगर मैं बोन की बात करूं तो एक होती है लॉन्ग बोन, दूसरी होती है शॉर्ट बोन, फिर आ जाता है फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, न्यूमेटिक बोन, सिसेमोइड बोन और एसेसरी बोन। ठीक है भाई, इन सारी बोन्स को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल को पढ़ेंगे और डायग्राम को देखेंगे। ठीक है भाई, अब देखो डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन में हमने कहा कि बोन दो प्रकार की होती है, एक होती है मेम्ब्रेन बोन जिसको अपन डर्मल बोन भी कहते हैं और दूसरी आ जाती है सोमेटिक बोन जिसे अपन विसेरल बोन भी कहते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बोन दो प्रकार की होती है आगे, जिसको अपन कार्टिलेजिनस बोन और मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन भी कहते हैं। ठीक है, सोमेटिक बोन को विसेरल बोन भी कहते हैं और इसमें आ जाती है हायोइड बोन। ठीक है भाई, हायोइड बोन जो है वो सोमेटिक बोन का एग्जाम्पल है या विसेरल बोन का। ठीक है, रीजनल क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो प्रकार के स्केलेटन इंक्लूड होते हैं, एक्जियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक्जियल स्केलेटन में 80 बोन होती है और अपेंडिकुलर में 126। अभी इसका भी चार्ट बनाऊंगा, इसमें एक्जियल में 80 बोन को शो करेंगे और अपेंडिकुलर में 126 बोन को शो करेंगे। ठीक है भाई, अब देखो संरचना के आधार पर यानी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, इसको समझो अच्छे से। ठीक है भाई, इसके अंदर माइक्रोस्कोपिकली और मैक्रोस्कोपिकली दो मेथड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग बोन को टाइप किया। ठीक है, इसमें माइक्रो यानी छोटी बोन, उसमें पहली बोन दे रखी है फाइब्रस बोन, लेमिलर बोन, ठीक है, वोवेन बोन, सीमेंट बोन और डेंटाइन बोन। ठीक है भाई, तो ये पांच प्रकार की बोन होती है माइक्रोस्कोपिकली मेथड। ठीक है, और दूसरे अगर अपन बात करें मैक्रो, ठीक है, यहां पे मैक्रोस्कोपिकली, ठीक है, मैक्रोस्कोपिकली यानी उसके अंदर दो प्रकार की बोन हो जाती है, कॉम्पैक्ट बोन और कैंसिलियस बोन। ठीक है ना, अभी मैं आपको लॉन्ग बोन का एक डायग्राम बना के उसमें बताऊंगा कि कॉम्पैक्ट वाला हिस्सा कौन सा होता है और कैंसिलियस वाला हिस्सा कौन सा होता है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, उससे पहले अपन रीजनल क्लासिफिकेशन को आगे पढ़ते हैं कि 80 बोन कौन सी होती है और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन कौन सी होती है। ठीक है, तो इसका एक चार्ट